और चलिए आपको सीधे उदयपुर लिए चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उदयपुर दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है सुनते हैं। मिला तो दो, ऐसे क्यों फेसलेस? आप जल्दी में हो? मैं नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी उदयपुर जल्दी में नहीं, यहाँ से शुरू कर दिया। नमस्ते मैम, कपिल ईटीवी भारत से, कपिल पारिक। ओके ईटीवी वेलकम। फर्स्ट लेडी मैं देख रही हूँ यहाँ, ये दी तो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को? माइक की जरूरत है क्या? थैंक यू। बताओ मैम अपना नाम एंड कौन से न्यूज चैनल से? उदयपुर। आप अपने बताते जाओ भैया, जो जिसको अपना मूड बनता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वसुंधरा राजे कर रही हैं और इस दौरान पत्रकारों से अभी हल्की फुल्की वार्ता करते हुए, उनसे जान पहचान करते हुए, बातचीत करते हुए उदयपुर पहुंची वसुंधरा राजे, कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्वागत के लिए मना किया, फूल मालाएं भी उन्होंने नहीं ली और सीधे जब कन्हैया लाल के घर पहुंचना था उससे थोड़ी दूर पहले ही उन्होंने गाड़ियों का काफिला रुकवाया और वहां से वो पैदल चली। उसके बाद परिवार से भी वो मिली हैं, कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात हुई है, परिवारजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। परिवारजनों से मुलाकात के बाद अब ये पीसी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिलहाल हल्की फुल्की बातचीत करते हुए पत्रकारों से नजर आ रही हैं वसुंधरा राजे। और इसके बाद जो क्योंकि सवाल सबके वो सुन रही हैं कि क्या क्या सवाल हैं, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं, क्या कुछ हैं, और उसके बाद वो उन सभी पर, तमाम चीज़ों पर वो जवाब देंगी। क्योंकि अभी वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची हुई हैं और इसके बाद क्या क्या बातें वो कहती हैं, क्योंकि परिवार से वो मिलके आई हैं कन्हैया लाल के, क्या उन परिवारजनों से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ ये घटना रही और अभी तक किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की होगी। क्या परिवारजनों को पुलिस की तरफ से सहयोग मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से सहायता की बात हुई थी उसको लेकर भी बातचीत की होगी। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब वसुंधरा राजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकती हैं, उनके बारे में चर्चा हो सकती है कि किस तरह की ये बातचीत रही है परिवारजनों से, किस तरह ये पूरा घटनाक्रम रहा उसको लेकर भी चर्चा की होगी। क्योंकि जब वसुंधरा राजे पहुंची थी उस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे लेकिन उन्होंने इसको लेकर मना कर दिया था कि बहुत ज़्यादा कोई स्वागत या किसी तरह फूल मालाएं नहीं चाहिए। एक सीधे सादे सादगी भरे तरीके से वो पहुंची और थोड़ी दूर पहले ही, कुछ गली पहले ही उन्होंने काफिला अपना रुकवाया और वो पैदल पैदल फिर घर की तरफ चली। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तब की हैं जब वसुंधरा राजे उदयपुर में कन्हैया लाल के घर पर पहुंची थी। उस दौरान जो आसपास के लोग थे तब उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी, उनसे भी पूछा था कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, क्या अभी कोई डर या खौफ तो नहीं लगता है, वो जो एक जनरल सामान्य बातें होती हैं वो बातचीत उन्होंने की और उसके बाद कन्हैया लाल के घर पर वो पहुँच गई। अब इसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाली हैं, शुरुआत तो हालांकि हो चुकी है लेकिन अभी एक हल्की फुल्की बातचीत के साथ ये शुरुआत है। क्योंकि वसुंधरा राजे हमेशा जब भी कभी मीडिया से मुखातिब होती हैं तो मीडिया के लोगों को वो जानती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनके नाम भी पूछती हैं, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर हमेशा उनका रहा है। और क्या कुछ आप कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब अपन बैठते हैं ना तो कई किस्म की न्यूज़ आती हैं और अपन लोग बैठते हैं और बातें भी करते हैं और समथिंग हैप्पी समथिंग सैड ये भी होता है, परंतु आज जो अपन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं और जहाँ आप लोग हो चुके हैं, मुझे लगता है कि हम और आप जहाँ से हम अभी आ रहे हैं और जहाँ आप लोग ऑलरेडी हो गए हैं, मैं समझती हूँ कि ऐसा हॉरिबल जघन्य अपराध मुझे तो अपने समय में देखने को नहीं मिला। और उसी मूड में शायद आप लोग भी होंगे और आज मैं समझती हूँ कि ये इसीलिए हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। सो इसलिए सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी को अपने मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी
और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को। मैंने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक गहलोत जी आज हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, और जो हम लोगों को पिछले 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स के अंदर क्राइम की स्थिति को देखने को मिल रहा है, करते 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 आज आप इस लेवल पे पहुंच गए हो, मैं समझती हूँ इससे वर्स तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता। इस घटने के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, पर फिर भी एक इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत तो है। शुरू तो ये 9-10 तारीख जून की है और 10 जून को बताते हैं कि जो आपका धान मंडी थाना है उस धान मंडी थाने के अंदर कन्हैया के खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने एक केस दर्ज किया। पुलिस गई दूसरे दिन और उन्होंने कन्हैया को वहाँ से अरेस्ट किया, बिठाया पहले, बिठाने के बाद फिर उसको अरेस्ट दिखाया, फिर उसकी सब लोगों ने प्रेशर डाला, पूरे समाज के लोग वहाँ पहुँचे, ने पूछा कि भाई उन्होंने क्या किया है, और जब उन्होंने सब ने प्रेशर डाला तो उसको रिलीज भी किया, उसकी जमानत हो गई, वो छूट के बाहर आ गया। 15 को उसने परिवाद पेश किया कि भैया मेरे कुछ मेरे जिंदगी के लिए चिंता हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं अपने जीवन के लिए चिंतित हूँ करके उसने व्यवहार के बारे में बताया कि भैया इनका बड़ा संदिग्ध व्यवहार है इसीलिए मैं चिंतित हूँ। फिर उसने कहा पुलिस वालों के पास जाके कि भाई मेरे को मेरी जान का खतरा है, उसको बचाने के लिए आप हमें सुरक्षा दे दें, परंतु जो सीरियसनेस के साथ वो केस उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया था, उसी सीरियसनेस के खिलाफ के साथ जो उसने अपना दर्ज किया था, उसके लिए जितने सीरियसली मामला लेना चाहिए।